हेलो स्टूडेंट्स आज क्लास प्लस वन लेक्चर नंबर थर्टी फोर में हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल टूल्स पार्ट एट इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिफरेंशिएशन के बारे में बात की थी तो आज इस मैथमेटिकल टूल्स पार्ट एट में हम ये देखेंगे कि जो डिफरेंशिएशन है उसको फिजिक्स में हम कैसे यूज करते हैं किस जगह पे यूज करते हैं तो ये बात समझनी बड़ी जरूरी है अब देखिए कि हमने ये कुछ रूल्स डिफ्रेंशिएशन के रिजल्ट्स ये ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए हुए हैं कि अगर वाई एक्स टू पर एन के इक्वल है तो डी वाई वाई डी एक्स एन एक्स रेस्टू पर एन माइनस वन है अगर वाई सी कॉन्सटेंट है तो डी वाई वाई डी एक्स जीरो है अगर वाई सी इंटू एक्स टू पर एन है तो डी वाई वाई डी एक्स सी टू एन एक्स रेस्टू पर एन माइनस वन है अगर वाई यू वी फॉर्म में है तो डी वाई वाई डी एक्स यू इंटू डी वी वाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स है ना तो ये रिज़ल्ट कैसे आए हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है और आपको ये रिज़ल्ट एज सच याद रखने पड़ेंगे अब अगर वाई साइन ए एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स ए काज ए एक्स है अगर वाई की वैल्यू cos ए एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस ए साइन ए एक्स है अगर वाई की वैल्यू टेन ए एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ए सीकेंट स्केयर ए एक्स है ना और यहाँ पे जो स्मॉल ए है वो कांस्टेंट टर्म है तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है सारा कुछ अगर वाई सीकेंट ए एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स ए इंटू सीकेंट ए एक्स इंटू टेन ए एक्स है अगर वाई की वैल्यू को सिकेंट ए एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस ए को सिकेंट ए एक्स इंटू कोट एक्स है अगर y की वैल्यू तो cot, cot ax है तो dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस ए को सिकेंट स्क्वेयर ए एक्स है तो ये रिजल्ट में डिस्कस हुए हैं ना अगर वाई की वैल्यू लॉग ए एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स वन बाई एक्स है अगर थर्टीन वाई इज इक्वल टू ई रेस टू पार ए एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ए इंटू रेस टू पार ए एक्स है ना तो ये कुछ डिफ्रेंशिएशन के रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे अब क्वेश्चन ये पैदा हो रहा है कि डिफ्रेंशिएशन को हम फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं किस जगह पे यूज करते हैं तो जैसा कि हमने डिफ्रेंशिएशन के शुरू के लेक्चर में बताया था आपको कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वांटिटी है एक्स जिसका सिंबल है और दूसरी क्वांटिटी वाई है ठीक है ना और इन दोनों में से x इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मान लेते हैं और y को डिपेंडेंट क्वांटिटी मान लेते हैं और दोनों के बीच में एक इक्वेशन है ना तो अगर आप dy वाई बाई मतलब उस y इज इक्वल टू जो x वाली इक्वेशन है तो उस इक्वेशन को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो मीन डीवाई वाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हो तो वो क्या बताती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डीवाई वाई डी एक्स तो यहां पे वाई सिंबल डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए है और एक्स सिंबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए है ना तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो के बदलने पर डिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको रीड करते हैं ना डीवाई वाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स को आप एक तो रीड करते हो डेरिवेटिव ऑफ वाई विदेक्ट तो इसको आप ऐसे भी रीड करोगे रेट ऑफ ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू अब मान लीजिए जैसा कि अब जब हम मैथमेटिकल टूल्स वाले पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद हम फर्स्ट सेकंड यूनिट ऑफ फिजिक्स काइनेमेटिक्स में एंटर करेंगे तो वहां से आप देखोगे कि अगर कोई भी पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल की पोजीशन को डिनोट करने के लिए हम सिंबल यूज करेंगे एक्स तो जैसा कि आप सामने स्क्रीन में देख रहे हो कि अगर एक्स पार्टिकल की पोजीशन का सिंबल है और टी स्मॉल टी टाइम का है तो फिर डी एक्स बाई डी टी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगी ना ठीक है और x और t में से t जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, है तो dx तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हमोसिटी बोलते हैं तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी ठीक है ये बातें हम फर्दर जब काइनेमेटिक्स सेकेंड यूनिट स्टार्ट होगा तो उसमें एक और क्लियर करेंगे तो अब क्योंकि आप जब लोग नाइन्थ और टेंथ में वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हो या एक्सेलरेशन के बारे में तो वहाँ पे एक आपको टर्म सिखाई जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और दूसरी एवरेज वेलोसिटी तो जो डेफिनेशन आप लोअर क्लासेस में वेलोसिटी की पढ़ के आए हो रेश ओवर टाइम टेकन की रेशो तो वो बेसिकली एवरेज वेलोसिटी है ना तो जो dx बाई डी टी है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ना मतलब कोई भी जो क्वांटिटी है तो उसकी ब्रॉडली हम तो दो तरह की एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं और एक इंस्टेंटेनियस और जो भी क्वांटिटी है ना अगर उसका फार्मूला डिफ्रेंशिएशन की टर्म में लिखा हुआ है जैसे वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी है तो वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है और अगर रेशो में लिखा हुआ है तो वो उसकी एवरेज वैल्यू है तो ये बातें हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट में तो अभी की डिफ्रेंशिएशन की हमें कहाँ जरूरत होगी है ना तो जैसा कि हम याद सपोज करो हमें हमें याद है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो डी एक्स वाई डी टी है तो इट मींस अगर आपको इक्वेशन एक्स इन टर्म्स ऑफ टाइम दी हो और आपसे पूछा जाए कि फाइंड द वेलोसिटी तो आपने डी डी टी फार्मूला यूज करना है इट मीन्स आपने एक्स वाली इक्वेजन को टाइम के साथ क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है तो इस कारण आपको डिफ्रेंशिएशन के रूल्स मालूम होने चाहिए ना तो दैट्स हम ये टॉपिक को के टॉपिक को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं अब जैसे ये देखिए कि मान लीजिए आपके सामने न्यूमेरिकल है कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय स्मॉल एक्स इज इक्वल टू थ्री टी स्क्र फाइंड तो तो इन दी हुई है इन टर्म्स ऑफ टाइम और हमें वेलोसिटी निकालने को बोला जा रहा है तो इट मीन्स हमने क्या करना है कि एक्स को टाइम के साथ इस इक्वेजन को दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t तो जब हम क्योंकि तो हमें मालूम है वी इज़ इक्वल टू दिस वन और ये वाली इक्वेजन गिवन है तो अब हमने जब दोनों साइड्स को इक्वेजन नंबर टू की डिफरेंशियट करना है तो अब लेफ्ट साइड तो हो गई डी एक्स बाई डी टी अब राइट हैंड साइड में जो थ्री है वो कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया डिफरेंशियशन के रूल्स अगर हमें याद है तो उसको अप्लाई करेंगे तो अब टी स्क्वेयर को टी के साथ डिफरेंशिएट करना है तो टी स्क्र का क्या बनेगा तो टी की पावर टू नीचे आ गई और t की पावर से टू माइनस वन इंटू डी अगर x की वैल्यू थ्री टी स्केयर है तो डी एक्स डी की वैल्यू सिक्सर डिफ्रेंशिएशन पर डीएक्स वाई डी टी को तो हम विलोसिटी बोलते हैं ठीक है ना तो इट मीन विलोसिटी सिक्सटी आ गई अब इस तरह से हमने फिजिक्स में अब फिजिक्स में कहीं भी नहीं उसने आपसे बोला कि इसको डिफरेंशियट करो ऐसे करो ना क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए वो हम जब हम थ्योरी पार्ट करेंगे तो वहां से हमें रिलेशन मालूम होंगे ना कि क्या करना है वहां से हमें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी फार्मूला से तो वो बातें हमने सीखनी है फर्दर अभी तो आप स्टार्टिंग फेज में हो ना तो अभी बता रहा हूं कि ऐसे हमने टॉपिक्स को समझना है अब आपने जो विलोसटी निकाली है ना तो उस वेलोसिटी के फार्मूला में सिक्स टी आ रहा है ना तो टी टाइम है टाइम वेरिएबल क्वांटिटी है क्योंकि टाइम तो हमेशा चेंज होता रहता है तो इट वेलोसिटी डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट होगी तो अगर आप यहां पे टी की वैल्यू जीरो सब्सिट्यूट करोगे तो वेलोसिटी जीरो आएगी अगर आप यहां पे टी की वैल्यू वन सब्सिट्यूट करोगे तो वो सिक्स आ जाएगी तो इट मीनस वेलोसिटी वेरिएबल है पर हमने तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली वेलोसिटी सेकंड की निकालनी है तो हम यहां पे क्या करेंगे टी को टू सेकेंड के साथ रिप्लेस करेंगे तो आंसर ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड बातें हमने फर्दर डिटेल में डिस्कस करनी है आने वाले यूनिट्स में ना तो अभी तो आपको जस्ट ये हिंट मिल रहा है कि हमने डिफरेंशिएशन को सीरियसली क्यों डिस्कस करना है क्यों याद रखने हैं रिजल्ट्स अब जैसे ये देखिए कि अगर मान लीजिए कि जो स्मॉल क्यू है वो चार्ज का सिंबल है टी जो है वो टाइम तो डी क्यू बाई डी टी टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं ना तो उसको हम करंट कहते हैं तो जो जब करंट डी क्यू बाई डी टी लिखा हो तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट ठीक है तो अगेन इट मीन्स जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है वो कैसे ऑप्टेन होगी चार्ज वाली इक्वेशन को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना अब जैसे यहां देखिए नोमेरिकल में मान लीजिए उसने बोला है कि चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर विद टाइम इज क्यू इज इक्वल टू सिक्सटी फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट एट टाइम वन सेकेंड तो अब जिनको ये याद है कि क्यू अगर गिवन है और टाइम करंट निकालना है इंस्टेंटेनियस तो वो कैसे निकलेगा क्यू को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये फार्मूला भी डिस्कस किया मैंने अब ये गिवन है आपको तो आपको इक्वेजन नंबर टू को क्या करना पड़ेगा डिफ्रेंशियट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी तो इक्वेजन नंबर टू को जब आप डिफ्रेंशियट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो लेफ्ट हैंड साइड तो डी क्यू बाई डी टी बन गई अब राइट हैंड साइड में सिक्स कॉन्स्टेंट बाहर आ गया डी टी बाई डी टी वन हो गया तो सिक्स आ गया बट डी क्यू बाई डी टी को तो हम आई बोलते हैं तो इट मीन्स यहाँ पे करंट क्या आ गया सिक्स एम्पियर और आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो करंट आया है ना सिक्स एम्पियर वो तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है क्योंकि तो उसके फार्मूला में टाइम है ही नहीं गायब है खत्म हो चुका है तो दैट्स वाई तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये वाला जो करंट है ना वो कॉन्स्टेंट करंट है जो हर समय सिक्स एम्पियर ही रहेगा तो इट मीन्स एट टाइम वन सेकेंड भी वो सिक्स एम्पियर ही होगा तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा तो ये बातें अब जैसे जब हम फर्दर फिजिक्स में टॉपिक्स डिस्कस करेंगे तो आप देखोगे कि जो डीवी बाई डी टी है उसका क्या मतलब है वेलोसिटी का सिंबल है टी टाइम है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस है ना ये बातें फर्दर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में होगी डिस्कशन बट आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हम डिफ्रेंशिएशन कहाँ यूज करते हैं ना अब डी पी बाय डी टी यहाँ पे पी क्या है स्मॉल पी है मोमेंटम लीनियर मोमेंटम तो डी पी बाई डी टी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम और एफ फोर्स है तो इट मीन्स फोर्स क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये अब टाओ ये सिंपल टॉर्क का है और एल एंगुलर मोमेंटम है तो अभी आपने जस्ट इसको सुनना ही है तो यहाँ पे वरी करने की जरूरत नहीं है आपको तो डी एल वाई डी टी ये शो कर रहा है कि जो टॉर्क है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ठीक है ना इसी तरह ओमेगा एंगुलर विलोसिटी है थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको एंगुलर विलोसिटी बोलते हैं ओमेगा के इक्वल है अब डी ओमेगा बाई डी टी क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और अल्फा सिंबल कौन सा है ना तो अभी आपने यहां नर्वस नहीं होना अभी ये बातें जस्ट ये इक्वेशंस आपके सामने इसलिए लिखी गई हैं कि आपको आइडिया हो कि हम डिफ्रेंशिएशन कहाँ यूज करते हैं अब ये सारा कुछ आप डिटेल में फर्दर लेक्स में समझोगे अब एक बात और जो आपने सीखनी है वो क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए आपके पास एक क्वांटिटी है वाई तो अगर वो उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो कन्वर्ट हो जाती है वाई बाई डी एक्स तो वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे ऑप्टेन होती है कि वाई की वैल्यू को हमने एक्स के साथ एक बार डिफ्रेंशिएट किया है ना और रुक गए अब अगर हम डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू को दोबारा फिर डिफरेंशियट करें विद एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स के आगे जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बन गया डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केर नीचे वाले डी के साथ स्केयर नहीं करना है ना डी एक्स स्क् होल स्केयर या एक तरह का तो ये त्या, मतलब ये बात आपने पर्टिकुलरली कंसिडर करनी है कि जब हम डी स्केयर वाई बाई डी एक्स लिखेंगे उसका मीनिंग क्या है तो उसको बोलते हैं डबल डिफरेंशियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स या सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है और इसका मीनिंग क्या है कि अगर हमने वाई को दो बार एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट किया पहली बार डिफ्रेंशिएट किया रिजल्ट आ गया उस रिजल्ट को फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट किया एक्स के साथ तो वो रिजल्ट क्या होगा डी स्केयर वाई बाई डी एक्स ये बात समझना बड़ा जरूरी है ना तो अगर हमें कोई बोले कि dy वाई बाई निकालो तो उसका मतलब है हमने y को एक सिर्फ एक बार x के साथ डिफ्रेंशिएट करना है पर अगर हमें बोले कि डी स्केयर वाई बाई डी एक्स निकालो ये वाला निकालिए तो इट मीन्स हमने y वाली इक्वेजन को फर्स्ट टाइम डिफरेंशियट करना है विद रिस्पेक्ट टू x जो आंसर आ गया उस आंसर को दोबारा x के साथ डिफरेंशियट करना है तो ये बात समझनी बड़ी जरूरी है क्लियर अब यहां देखिए अब।, अब जैसा कि मान लीजिए कि हमें y की वैल्यू गिवन है सिक्स एक्स स्क्वेयर और हमें बोला गया फाइंड डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स है ना तो हमने क्या करना है इस, इसका मतलब है हमने y को पहले x के साथ डिफ्रेंशिएट करना है जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशियट करेंगे को तो लेफ्ट हैंड साइड तो बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स अब राइट हैंड साइड में जो सिक्स है उसको हमने डिफ्रेंशिएशन से बाहर ले लिया क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है अब एक्स स्केयर को आप डिफ्रेंशिएट करोगे वो क्या आएगा टू एक्स इंटू डी एक्स डी एक्स तो ये तो कैंसिल हो गया ना तो ट्वेल्व एक्स तो अगर हमने वाई सिक्स एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो आ गई ट्वेल्व एक्स पर हमने तो निकालना है इट हमें इसको दोबारा फिर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो क्योंकि dy बाई डी एक्स हमने निकाल लिया है ट्वेल्व एक्स अब हम dy बाई डी एक्स को दोबारा फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो अब लेफ्ट हैंड साइड तो बन गई डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर है ना अब राइट हैंड साइड में ट्वेल्व कॉन्स्टेंट बाहर आ गया तो अंदर डीएक्स बाई डी एक्स वन हो गया तो ट्वेल्व आंसर क्लियर अब जैसे दोबारा न मान लीजिए आपको एक्स गिवन है ट्वेल्व टी प्लस फाइव और यहां लिखा आ गया डी स्केयर एक्स वाई डी टी स्केयर निकाली है ना इसका मीनिंग क्या हो गया अब डी स्केयर एक्स बायर का मतलब है कि इस इक्वेजन को एक्स वाली इक्वेजन को आपने टी के साथ दो बार डिफरेंशियट करना है तो हम एक्स की इक्वेजन लिख ली अब उसको पहली बार डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी तो लेफ्ट हैंड साइड तो बन गई डी एक्स वाई डी टी अब राइट हैंड साइड में दो टर्म्स है ना टर्मस फाइव तो पहले ट्वेल्व टी को डिफ्रेंशिएट किया प्लस फिर फाइव को किया ना अब फाइव तो कॉन्स्टेंट है जैसा कि हमने डिफ्रेंशिएशन के रूल्स पढ़े हुए हैं रिजल्ट तो ये तो जीरो हो गया अब ट्वेल्व टी में क्या होगा ट्वेल्व कांस्टेंट कॉन्स्टेंट बार आ गया अब डी टी बाई डी टी वन हो गया तो ट्वेल्व आ गया तो इट मीन्स यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी तो ट्वेल्व है पर हमने तो डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर निकालना है तो अब क्या करोगे आप दोबारा फिर डी एक्स वाई डी टी जो ट्वेल्व के इक्वल है उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या बन जाएगी आफ्टर डिफरेंशियशन डी स्केयर एक्स वाई डी टी पर जो ट्वेल्व है वो कांस्टेंट है तो उसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो जीरो आ गया तो इस तो इस एग्जांपल में डी स्केयर एक्स वाई डी टी है ना तो ऐसे हमने सॉल्व करना है फिजिक्स में ये डबल डिफरेंशियल कहाँ यूज़ होगा है ना ये बातें आपको दोबारा दु, फिर जब हम काइनेमेटिक्स वाला टॉपिक यूनिट नंबर टू स्टार्ट करेंगे ना प्लस वन में तो वहाँ पे बताई जाएंगी अभी तो आपको ये जस्ट डिफरेंशिएशन के रिजल्ट्स और कैसे वो फिजिक्स में रिलेट करेगी तो उसके बारे में कुछ बेसिक आइडियाज़ बता रहे हैं ना तभी आप समझोगे कि डिफरेंशिएशन को याद रखना रिजल्ट्स को याद रखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है तो अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो वेलोसिटी है वो होती है डी एक्स बाई डी टी और एक्सेलरेशन होती है डीवी बाई डी टी मतलब अगर आपके पास एक्स वाली इक्वेशन है तो उसको टाइम के साथ एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी एक्स वाई डी टी बन जाएगा मींस वेलोसिटी आ जाएगी और अगर आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन है तो उसको टाइम के साथ एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो रिजल्ट डी वी बाय डी टी होगा मीन्स एक्सेलरेशन आ जाएगा पर अगर हम इस वी को यहां पे सब्स्टिट्यूट करें है ना इस वी को डी एक्स बाई डी टी के साथ रिप्लेस करें तो ये डी स्केयर एक्स बाय डी स्केयर हो गया तो इट मींस ये आपको क्या बता रहा है कि अगर आपको विलोस्टी की इक्वेजन दी हुई है तो आपने सिर्फ उसको एक बार टाइम के साथ डिफरेंशियट करना है तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी पर ये बता रही है कि अगर आपको की की दी दी हुई है, की दी हुई है है पोजीशन और आपने एक्सेलरेशन निकालनी है तो आपको उस एक्स वाली इक्वेजन को टाइम के साथ दो बार डिफ्रेंशियट करना पड़ेगा जैसा कि हमने डिफ्रेंशियट करना सीखा है ना पीछे तो ये थोड़ा बेसिक आइडिया आपने माइंड में रखना है अब ऐसे ही ये आप पढ़ेंगे अभी आपने इसको ज्यादा कंसिडर नहीं करना तो अगर थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो उसको उस इक्वेशन को टी के साथ टाइम के साथ एक बार डिफ्रेंशियट करने पर एंगुलर वेलोसिटी मिलती है और एंगुलर वेलोसिटी को एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट करने पे एंगुलर एक्सेलरेशन मिलती है अब हम ये सीखेंगे कि व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन तो अभी आपने नर्वस नहीं होना ये सारी टर्म्स वन बाय वन स्टेप्स में हम डिस्कस करेंगे तो अगर हम इस ओमेगा को यहाँ सब्सिट्यूट कर दें तो ये डी स्केयर थीटा बाई डी टी बन गया ना इट मीन एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए एक तो अगर आपको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेजन दी हो तो आपने सिर्फ उसको एक बार टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करना है तो आपका आंसर आ जाएगा और अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेजन दी हो तो आपने एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए उस थीटा को टाइम के साथ दो बार डिफरेंशियट करना है ना तो ये सिग्निफिकेंस है डबल डिफरेंशियल का इन फिजिक्स तो इसको हम लेटर ऑन दोबारा डिस्कस करेंगे सो so, आज वाले लेक्चर में आपने सीखा कि क्यों डिफरेंशिएशन के रिजल्ट्स याद रखने डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक पे हमारी पकड़ होना मजबूत पकड़ होना क्यों जरूरी है क्योंकि फिजिक्स में उसकी काफ़ी ज़रूरत है इस टॉपिक की थैंक यू वेरी मच